पंजाब से अलग होकर हरियाणा प्रदेश बने हुए लगभग 53 साल का समय हो चुका है। 1 नवंबर 1966 ये वही तारीख और साल था जिस दिन हरियाणा का गठन हुआ और इसके गठन होने के बाद प्रदेश के लोगों ने विश्व पटल पर अपनी प्रतिभाओं से खेल हो, शिक्षा हो, सुरक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में नए कीर्तिमान भी स्थापित किए। लेकिन अब बात यह है, सवाल यह है कि आखिरकार क्या हरियाणा विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा है 1966 से लेकर 2019 तक? अपने पड़ोसी राज्यों से क्या बेहतर कर दिखाया है हरियाणा के लोगों ने और हरियाणा ने? यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है जिसको लेकर हम यानी कि खबरें अब तक की टीम पहुंची जनता के बीच और जानी जनता की राय। सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद आपको सुनवाएंगे आम लोगों की राय हरियाणा को लेकर। आज हरियाणा को 53 साल पूरे हो गए हैं। 1 नवंबर 1966 को पूर्वी पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। तब से लेकर आज की तारीख तक हरियाणा में काफी बदलाव आ गया है। कभी इसकी पहचान रूढ़िवादी सोच को लेकर होती थी, लेकिन अब हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, राजनीति या फिर अंतरिक्ष, हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। आज भारतीय सेना में हर 10वां जवान हरियाणा का है। हरियाणा के युवाओं में सेना के प्रति काफी सम्मान देखने को मिलता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय सेना में सबसे ज्यादा हरियाणा के जवान हैं। इन जवानों की माँ भी गर्व से अपने बच्चों को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करती है। भारत की आजादी के बाद तो देश का विकास हुआ ही है, लेकिन हरियाणा का कितना विकास हुआ है ये सोचने वाली बात है। क्या हरियाणा ने विकास के मामले में हिमाचल और पंजाब को पीछे छोड़ा है या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। चलिए, रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन सवाल क्या है और जनता के बीच जब हम गए तो हमने क्या प्रश्न उनसे पूछे हैं, ये आपके सामने रखते हैं। उसके बाद आम लोगों की राय भी आपको जरूर दिखाएंगे। सवाल क्या है? सवाल यह कि क्या 53 साल में हरियाणा का विकास उस तरीके से हुआ है जैसा उम्मीद है? क्या हरियाणा के अस्तित्व में आने के बाद तेजी से विकास हो पाया है? क्या हरियाणा ने हिमाचल और पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों को विकास के मामले में पीछे छोड़ दिया है? तो ये आम सवाल है, मूल सवाल है, जिनके जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है। और बात करें अगर 1966 से लेकर 2019 की, तो बहुत कुछ हरियाणा ने देखा है, हरियाणा के राजनीति ने देखा है, नेताओं ने कोशिश की है, दावे बड़े बड़े थे कि हरियाणा को बदल कर रख देंगे। क्या वाकई में ऐसा हुआ है? अगर धरातल की बात करें तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है। एक हरियाणा वो था जो अविकसित था। जब बात होती थी कि ये हरियाणा कैसे आगे बढ़ पाएगा, 1966 का दौर था, 1970 बीता, तो धीरे धीरे हरियाणा ने अपने आप को साबित करना भी शुरू कर दिया। आज वो समय है जब हरियाणा की तरफ पूरा देश देखता है, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं, अगर बात की जाए बिजली की, तो कोई कमी दिखाई नहीं देती है, लेकिन कुछ कमियाँ आज भी मौजूद हैं। क्या वाकई में वो खामियों की ओर हमारा ध्यान खींचती हैं? इस पर भी हमने जनता से सवाल किए हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं आम लोगों की राय हरियाणा को लेकर। हरियाणा ने जितनी प्रोग्रेस करी है, पंजाब और हिमाचल उससे बहुत पीछे हैं। गुड़गांव का भी देखो, गुड़गांव में मेट्रो है और अपने रेलवे है और काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। पुल हैं, ब्रिज, फ्लाईओवर हैं, NH8, जयपुर बॉम्बे एक्सप्रेस वे है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरे भारतवर्ष से गुड़गांव को जोड़ते हैं, हरियाणा को जोड़ते हैं। ऐसी प्रोग्रेस किसी और स्टेट में नहीं हुई है जितनी हरियाणा में हुई है। हरियाणा एक उभरता हुआ प्रदेश है और दुनिया के मानचित्र पे हरियाणा का नाम आता है। हरियाणा के नाम के साथ साथ गुड़गांव, जिसे गुरुग्राम अब बोला जाता है, गुरुग्राम दुनिया के अंदर एक अपनी नई पहचान बनाए हुए है और गुरुग्राम की बदौलत हरियाणा और हरियाणा की बदौलत गुरुग्राम है। और 53 साल हरियाणा को हो गए बने हुए को, 1966 में ये बना था 1 नवंबर को। तो मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ हरियाणा वासियों को और आपके चैनल के जो दर्शक हैं, और आपका चैनल भी बधाई के पात्र है जो हरियाणा के मुद्दों को समय समय पर उठाता रहता है और हरियाणा के प्रति जागरूक भी आपका चैनल है। आपका चैनल भी हरियाणा के जो उत्पादन है, किसान है, मजदूर है, कमेरे है, सबकी लड़ाई को, जैसे गैस टीचर की लड़ाई है, सरकार के खिलाफ आंदोलन हुए हैं, हर प्रमुखता से हर खबरों को दिखाने में माहिर है। मैं सन 80 में हरियाणा के अंदर आई थी, तब से मैं यहीं रह रही हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तब हरियाणा में कुछ भी नहीं था, खासतौर पर गुड़गांव में, जिसको आजकल गुरुग्राम कहते हैं। लेकिन अब हरियाणा जिस प्रगति की ओर जा रहा है वो देखने लायक है। ये वर्ल्ड के मैप के ऊपर है,
और हम लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि हरियाणा के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो रही है, और हम लोग चाहते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल पर आए और यहाँ हर सिस्टम बहुत अच्छा हो, हर किसी को हर तरह की फैसिलिटीज़ मिले। जन्म 1 नवंबर 1966 को हुआ, जिसको 53 साल हो गए। हरियाणा ने अभूतपूर्व विकास किया है, जिसके इसके मुकाबले हरियाणा, पंजाब तो, हिमाचल और पंजाब तो बहुत पीछे रह गए हैं। जी हमेशा से ऐसा देखा गया है कि जब भी बात आती है विकास के, बात आती है सुरक्षा की, बात आती है बेरोजगारी की या रोजगार की, तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसको देखा जाता है, जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे भी तुलना की जाती है। हिमाचल हो या फिर पंजाब की हम बात करें, तो पंजाब जो कि देश में मशहूर है, जहां अन्नदाता ज़्यादा संख्या में हैं और धान की फसल भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हरियाणा भी कम नहीं है। पंजाब के बाद अगर नंबर आता है तो हरियाणा का ही आता है। अगर बात की जाए रोजगार की, तो गुरुग्राम जैसे साइबर सिटी के नाम से जाना भी जाता है, वहाँ पर भी तमाम तरह के उद्योग हैं और वहाँ भी मेट्रो आपको दिखाई दी जाएगी। अब तो हरियाणा के कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर मेट्रो अब आ चुकी है और धीरे धीरे विस्तार हो भी रहा है। हरियाणा हर तरह से कनेक्टिविटी के तौर पर देखे तो जुड़ा हुआ है, हर राज्य से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के नज़दीक हरियाणा है, दिल्ली के सटे हुए ज़िले जो है वो काफ़ी विकसित हो चले हैं। बात करें फरीदाबाद की, बात की जाए सोनीपत की, बात की जाए गुरुग्राम की, तो ये विकसित ज़िले हैं। और पानीपत की बात की जाए तो दुनिया के मैप में भी पानीपत का नाम दिखाई देता है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ है, काफ़ी कड़ी मेहनत की गई है। स्वर्ण जयंती भी हरियाणा वासियों ने मनाई है, लेकिन जो आम जनता है, क्या वाकई में वो मानती है कि विकास उस मुताबिक ही हुआ है जो आस लगाए बैठे थे हमारे बुजुर्ग? आइए जानते हैं। हरियाणा ने बहुत पिछाड़ लिया, 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ था ना, तब हरियाणा में जो है बहुत कुछ कम विकास कार्य हुए थे। उसके बाद जो मुंशी लाल सरकार बनी, उसने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के काम करे। उसके बाद फिर और जो सरकारें आई उन्होंने भी विकास के काम करे, बीजेपी सरकार में और भी बढ़िया काम हुए हैं। हिमाचल और पंजाब तो हमारे बहुत काफ़ी पीछे, पंजाब हमारे से काफ़ी पीछे छूट चुका है, एंड हरियाणा काफ़ी आगे तरक्की कर चुका है। तो मैं चाहूँगा कि आगे दर बदर तरक्की बहुत अच्छी हुई हमारी। आज हरियाणा में उत्पादन सबसे ज़्यादा है, हरियाणा में मतलब दूध का वो था, आज डायरी भी बहुत है, कई डायरी हैं जो कोऑपरेटिव भी हैं और प्राइवेट भी हैं। अच्छा है, सड़कें हैं, बिजली पानी का पूरा विकास हुआ है और करप्शन कम हुआ है। हरियाणा तो बहुत तरक्की कर रहा है, और मैं तो देख रहा हूँ कि इतने फ्लाईओवर बना दिएंगे, अंडरपास बना दिएंगे। हरियाणा में मैंने पिछले 2 साल में इतनी तरक्की देखी है, शायद मैंने 10 साल में नहीं देखी होगी। जब हरियाणा बना था उस समय लगता था, पंजाब के लोग खासकर उस समय मजाक करते थे कि तनख्वाह भी कर्मचारियों को दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। पंडित भगवत दयाल शर्मा से मनोहर लाल खट्टर जी तक जो भी मुख्यमंत्री रहे, जो जो भी सरकार आई, उनने सबने हरियाणा को बनाने में अपना योगदान दिया। किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली और पानी में, किसी ने नहर बनाने में, किसी ने अपने इंडस्ट्री एरिया ग्रोथ करने में, हर मुख्यमंत्री जी ने अपना योगदान दिया, हर सरकार ने अपना, किसी ने थोड़ा योगदान दिया, किसी ने ज़्यादा योगदान दिया, पर योगदान सबका है, तभी तो हरियाणा इतना आगे बढ़ा। इतना छोटा स्टेट होने के बावजूद भी हरियाणा आज हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छा खुशहाल स्टेट है। मैं पिछले सरकारों ने काम किए, लेकिन सबसे अच्छे जो काम किए मनोहर लाल खट्टर जी ने किए। ये सरकार ने पिछले 5 सालों में विकास को आगे बढ़ाया और जो रोजगार था वो बढ़ाया, रोजगार बगैर खर्चे बगैर पर्ची के रोजगार लगाने का, और सारे जितने भी कार्य हुए विकास के कार्य, रोड हैं, सीवर हैं, नाली है, और जितने विकास कार्य हैं, बिजली है, गांव 24 घंटे बिजली देने का काम किया मनोहर लाल जी ने, जो कि आज तक संभव नहीं हो पाया। आज 1 नवंबर की तारीख 1966 के साल की बात की जाए तो इसी दिन, यानी कि आज की तारीख के दिन 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। हरियाणा अलग से एक प्रदेश बना था, पहले पंजाब में ही हरियाणा था, और बहुत आवाज़ें उठी, आज से नहीं थी, बहुत पहले से थी, यानी कि 1966 में ही नहीं उठी थी, 1858 के बाद लगातार ये मांग उठती रही थी कि हरियाणा को अलग से प्रदेश बनाया जाना चाहिए। और बोली के आधार पर, सांस्कृतिक जो बातें होती हैं, संस्कृति की बातें होती हैं, उसके आधार पर अलग से इस प्रदेश को बनाने की मांग लगातार उठाई गई थी। उनमें देवीलाल भी एक बड़ा नाम थे, लेकिन क्या जो राजनीति की गई थी नेताओं के द्वारा, जो दावे किए गए थे कि हरियाणा को एक
मॉडल प्रदेश यानी कि आदर्श राज्य बनाएंगे, क्या वो वाकई में सपना पूरा हो पाया है? आइए जानते हैं जनता से ही। उद्योग क्षेत्र के मामले में देख लो बेस्ट है हरियाणा का विकास, बाकी रास्ते या ये कह लो कि शॉपिंग मॉल या फिर जितने भी पुल, अधिकतर हरियाणा के अंदर जिस तरह चंडीगढ़ की राजधानी है दिल्ली में पुल बने हैं, इस तरीके से हमारी हरियाणा के अंदर भी काफ़ी विकास कार्य किए हैं। देखो हरियाणा की बात करें तो अभी हरियाणा हिमाचल और पंजाब से तो आगे ही चल रहा है फिलहाल जी अभी, क्योंकि जितने पाँच से पच्चीस साल और यहाँ 5 साल में बहुत काम हुआ है हरियाणा में। बिल्कुल निकला है जी, कैसे हमारा हरियाणा सबसे आगे है, जो मतलब 25 सालों में वहाँ काम हुआ है, यहाँ 5 सालों में इतना काम हो चुका है। हाँ, पंजाब और हिमाचल से तो आगे है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री है और भी बहुत से काम है जो पंजाब और हिमाचल में नहीं। बिल्कुल आगे है, यहाँ हरियाणा में लालों की सरकार रही है, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल और अब मनोहर लाल जी, इनकी सरकार रही है और इनकी सरकारों में फायदे हुए हैं, सड़कें बनी हैं। हरियाणा 53 वर्ष का हो गया है, इस हरियाणा डे पर मैं सभी को जो प्रदेशवासी हैं उनको बधाई देता हूँ हरियाणा दिवस की। और जो हरियाणा है आज 53 साल में हरियाणा ने पंजाब और हिमाचल को विकास के मामले में वाकई में पीछे छोड़ दिया है और मौजूदा सरकार के प्रयास से भी हरियाणा नंबर वन की ओर अग्रसर है। पहले तो आप सभी को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद है, बाकी विकास के मामले में हरियाणा अभी भी नंबर वन पे बना हुआ है, हिमाचल और पंजाब से बहुत आगे निकल चुका है और आगे मनोहर लाल सरकार भी है बहुत ज़्यादा तेजी से विकास कर रहे हैं। बहुत वधिया, बहुत ज़्यादा तरक्की की अगे नालों हरियाणे ने, पहले कुछ भी नहीं सी इतने, हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं जी हरियाणे में ना मिले, हर चीज़ है हरियाणे में, बच्चा वास्ते भी बहुत कुछ है, फ्री कंप्यूटर वगैरह के कोर्स खुले ने, हर चीज़ खुली है। ज़्यादातर लोग जो अपनी राय रख रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हाँ बदलाव पहले से हुआ है, क्योंकि जैसा कि आज कह सकते हैं कि हिसाब से कि जन्मदिन है हरियाणा का, तो लोग काफ़ी खुशी भी अपनी ओर से जाहिर कर रहे हैं। जो हरियाणा के रहने वाले हैं उनके लिए जो सपना था वो यही था कि अलग से प्रदेश बने, क्योंकि बोली के आधार पर जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई गई थी, और जब विधानसभा थी संयुक्त पंजाब और हरियाणा की, उस दौरान भी जो हरियाणा से विधायक चुनकर जाते थे वो भी हमेशा यही मांग उठाते थे कि हरियाणा को अलग से प्रदेश बनाया जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हरियाणा आगे बढ़ता गया तो विकास के जो आयाम है उनको भी छूने की कोशिश हरियाणा के लोगों ने भी की है और नेताओं ने भी प्रयास किया कि जो लोग उनको वोट करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। लेकिन हरियाणा की जनता क्या महसूस करती है, हरियाणा के जो आम लोग हैं वो क्या समझते हैं विकास को लेकर हरियाणा में, आइए और भी जो प्रतिक्रियाएं हैं जान लेते हैं। नहीं, पंजाब में हरियाणा नहीं, पहले हरियाणा में नहीं, पंजाब में चक्के हैं। क्यों? क्योंकि सरकार आती है वादे करके चली जाती है, कोई सी भी आती है सरकार, अब ये मोदी सरकार आई थी पीछे वादे कर करके चली गई है। और मैं उम्मीद करूंगा पीछे तो अभी तक विकास हुआ है नहीं 53 साल में, क्योंकि अगर आप देख लो तो पंजाब हमसे आगे है और हिमाचल भी हमसे आगे है। हरियाणा में ना तो कोई बड़ी रोजगार के लिए फैक्ट्रियां लगी हैं, ना युवाओं, पढ़े लिखे युवा है उनको रोजगार मिले हैं, उनको नौकरियां मिली हैं, ना ही यहाँ पर कोई मतलब जैसे सड़कों हैं तो वो टूटी पड़ी हैं, गाँव में बुरा हाल है, गाँव में पानी नहीं मिल रहा, किसानों को पानी नहीं मिल रहा, किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिल रहे, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अगर मौके पर आप देख लो तो दिल्ली में जो धान का रेट है 2667 रुपये है और हमारे यहाँ 1700 रुपये में नहीं बिक रही। हमारे यहाँ लोग मंडियों में धान लेकर जाते हैं किसान भाई और शाम को वापस आ जाते हैं धान की बड़ी बड़ी ट्राली लेकर, और अगर वहाँ पर लेते हैं तो वहाँ पर रुकने के लिए कोई साधन नहीं है किसानों के लिए। हरियाणा में जो विकास हुआ है, हरियाणा बहुत ही कम विकास हुआ है, क्योंकि हरियाणा पीछे बना है उस वजह से भी, और जो पंजाब में विकास होना था वो हरियाणा में आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि पंजाब की जनता बहुत एग्रेसिव है, हरियाणा की जनता अभी इन चीज़ों में ध्यान नहीं कर पा रही है। पंजाब के मुकाबले हरियाणा में बहुत ही कम विकास हुआ है, जो मूलभूत सुविधा चाहिए वो हरियाणा में अभी तक भी नहीं हो पाई है। पंजाब से तो हमारा हरियाणा जो है कम से कम 50 साल पीछे है, और पानी के कृषि देश कृषि राज्य होने के साथ साथ भी इसको पूरा पानी नहीं मिल रहा। अगर देखा जाए तो हरियाणा सबसे पिछड़ा हुआ देश राज्य माना जाता है,
क्योंकि इसमें जो भी युवा लोग हैं, हर युवा नौकरी की तलाश में है, कोई ना कोई रोज़गार की तलाश में है। किसान है वो भी पिछड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। हमारे जो नेता लोग हैं वो सारे बेईमान इकट्ठे हुए पड़े हैं। कल तो बहुत कम विकास हुआ है, बच्चे बहुत बेरोजगार हैं और विकास कार्य के मामले में बहुत पीछे है हरियाणा। हरियाणा अलग होने के बाद पंजाब से जितना होना चाहिए था। अब पंजाब को लगा लीजिए आप, जो धान और वीट का सबसे बड़ा है, हरियाणा की भी है, लेकिन राजस्थान से लगती बेल्ट में इतना प्रोडक्शन इतना नहीं है फसल का, गेहूँ धान का, इस वजह करके थोड़ा पीछे पंजाब इसी वजह करके आगे कि वहाँ पे धान और गेहूँ की अच्छी पैदावार है। हमारे हरियाणा में कुछ ज़्यादा सा इंडस्ट्री वगैरह या वो चीज़ें नहीं हैं, डेवलपमेंट के जो सोर्स हैं इतने ज़्यादा नहीं हैं जो होने चाहिए। अपने आप में जो लोग हैं यानी कि आम जन है, वो तुलना करते हैं पड़ोसी राज्यों से ही, चाहे वो राजस्थान की बात कर ली, चाहे बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, या बात की जाए उत्तराखंड की या पंजाब की, क्योंकि पंजाब को हरियाणा का बड़ा भाई भी कुछ लोग कहते हैं। और जब तुलना होती है बड़े भाई यानी पंजाब से, तो कुछ बातें निकल कर भी सामने आती हैं। जैसा कि सभी को मालूम है कि 1966 में ही अलग से प्रदेश हरियाणा बना, पहले पंजाब का हिस्सा था, तो उस समय भी कहा जाता था कि हरियाणा से यानी कि जो हरियाणा के इलाके हैं उन इलाकों से, उस क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ भेदभाव होता है। यानी कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री उस दौरान थे, संयुक्त पंजाब के, तो वो भेदभाव करते थे हरियाणा के क्षेत्रों से, इलाकों से। और इसलिए इस तरह की मांग भी उठाई गई थी कि अगर हरियाणा में विकास चौतरफा करना है तो हरियाणा को एक अलग राज्य बनाना ही होगा। उसके बाद जो फैसला लिया गया उसके आधार पर ही आगे काम किया गया। कुछ लोग कहते नजर आए कि विकास नहीं हुआ है, कुछ लोग कह रहे कि विकास वाकई में हुआ है और उम्मीद से ज्यादा भी हुआ है, लेकिन और भी प्रतिक्रियाएं हैं। और अंत में आपको आज के सर्वे का नतीजा भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और प्रतिक्रियाएं आपके सामने। मैं समझता हूँ काफी बदला है, लगभग मैं समझता हूँ 100% बदल गया, पहले का तो बहुत ज्यादा बदलाव है, तो सारा ही बदलाव है। हरियाणा पहले तो अनपढ़ों का प्रदेश कहा करते थे, अब तो यहाँ शिक्षा भी बढ़ी है, बड़ा सब कुछ बढ़िया हो गया है, हरियाणा उन्नति की है। बदलाव की हम बात करें तो हमारे हरियाणा ने इन 53 सालों में बहुत प्रोग्रेस करी है। हरियाणा छोटा स्टेट है, पहले कभी हमारे 10-11 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, आज की डेट में हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। सभी जो CMs ने अपने अपने स्तर पर बहुत विकास कार्य करवाए। सर जी, जब हरियाणा बना था ना गाँव में सड़क थी, ना स्कूल थे, ना इतने कॉलेज थे और ना इतनी बिजली थी। पूरे हरियाणा में जब से अब तक गांव-गांव में बिजली है, गांव-गांव में सड़क है, गांव-गांव में स्कूल है और कॉलेज भी बहुत बने हैं और सुलभ शौचालय भी बने हैं। अब हरियाणा में ऐसा कोई नहीं है जहां हर घर में सुलभ शौचालय है। इनको अवार्ड भी मिला है और जिस भी डिपार्टमेंट से आप बात करोगे ना, सड़क है, पानी है, बिजली है, उस सब में प्रोग्रेस हुई है। 54 साल हो गए पंजाब से अलग हुए, तो उसके बाद हरियाणा में जो भी हुआ है, एक तो अपनी साक्षरता बढ़ी है, विकास भी काफ़ी हुआ है पंजाब के मुकाबले। पंजाब में इतना नहीं हुआ, वहाँ तो ज़्यादातर अपना पहले तो खालिस्तान का मुद्दा चलता रहा, ये चलता रहा, डिस्टर्ब एरिया बना रहा और फिर अब ड्रग का चल रहा है, तो यहाँ काफ़ी तरक्की हुई है। भाई, हमारा जैसा हरियाणा ऐसा कोई भी नहीं। हम तो ये कहते हैं उस परम पिता परमेश्वर से, हमारा आज भी हरियाणा में जन्म करियो, इस भारत देश में जन्म करियो। ये हम ये चाहते हमारा हरियाणा जुग जुग बसो, देशों में देश हरियाणा, जड़े दूध दही का खाना, जड़े जाट उड़े ठाठर पीतल का होका शनि की खाट, ये भाई हरियाणा में मिल सके और कहीं जगह घूम लिए। हरियाणा जो है बहुत बढ़िया स्टेट है, पहले जैसे हम लोग पीछे तक कई चीज़ों में तो बहुत आगे चल रहे हैं, तो मिस वर्ल्ड भी हरियाणा की बनेगी, मानुष ही चल रहा है खेती में, हरियाणा आ गया गेम्स में, आ गया बॉलीवुड तो ही विभाजन लग गया, और हरियाणा बारे में नंबर वन है हरियाणा। तो आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं तो सुनी है, लेकिन आज के सर्वे का जो नतीजा है वो दिखाने का समय आ चुका है और इसमें कोई शक की बात नहीं कि हरियाणा में विकास हुआ है और सर्वे का नतीजा कुछ यही बयां करता है। जी हां, हमने सवाल पूछा आम जनता से कि क्या हरियाणा में हिमाचल और पंजाब से ज्यादा विकास हुआ है। लगभग 53 सालों की अगर बात की जाए तो 79% लोग हैं, 80% मान लीजिए उनका कहना है
कि वाकई में हरियाणा में विकास उन्होंने महसूस किया है। अगर चले जाए हम इतिहास की बात कर ले या फिर आज से कई दशकों पहले की बात कर ले तो हालात कुछ ज़्यादा बदतर थे, आज हालात बहुत बेहतर हो गए हैं और 21% लोग ये मानते हैं कि नहीं, हरियाणा में उम्मीद के मुताबिक विकास नहीं हुआ है, पंजाब और हिमाचल से ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, विकास बेशक हुआ हो। हमारे खास कार्यक्रम पब्लिक सब जानती में इतना ही, एक और मुद्दे के साथ फिर से आपके सामने पेश करेंगे एक रिपोर्ट भी और साथ ही दिखाएंगे आम जनता की राय। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक।